किसी भी फिल्म का कामयाब होना यानी क्या, जब उस पर भर भर के मीम बनने लगे, जनता फिल्म देख के घर आए और ट्विटर रेडिट कोरा पर कूद पड़े, फिल्म में जो साफ नहीं दिखा उसे ढूंढने के लिए, कहानी में जो अनकहा रह गया उसे सुनने सुनाने के लिए, फिल्म की कहानी उसके किरदारों की दुनिया को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग कल्पनाएं गढ़ते हैं, आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, इस किरदार ने ऐसा क्यों किया, ऐसी तमाम बातों को ही शास्त्रों में फैन थ्योरीज कहा जाता है। RRR का वक्त ध्यान कीजिए जब जनता ने फिल्म में माइथोलॉजी कनेक्शन ढूंढ लिया था। कुछ ऐसे ही अब ब्रह्मास्त्र के केस में भी हो रहा है। लोगों ने फिल्म देखी, VFX स्पेशल इफेक्ट्स की तारीफ की, लेकिन कहानी में खामियां निकाली, आलिया के किरदार में सब्सटेंस नहीं होने की शिकायत की, मौनी रॉय के किरदार जुनून की बैक स्टोरी न पाने पर निराशा हुई, लेकिन जुनून का, देव का, ईशा का, सबका जवाब देगी रे तेरी फैन थ्योरीज। YouTube कमेंट्स, रेडिट और ट्विटर थ्रेड से निकाली फैन थ्योरीज जो ब्रह्मास्त्र के बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब दे जाती है, बस बदले में कुछ और सवाल छोड़ जाने के लिए। ट्राइड एंड रिफ्यूज नाम के YouTube चैनल ने ब्रह्मास्त्र पर एक वीडियो बनाया। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में युआन माता नाम के यूजर ने अपनी थ्योरी शेयर की। फिल्म में लव स्टोरी जानबूझकर हमारा ध्यान भटकाने के लिए थी। ईशा के पेरेंट्स को फिल्म में कभी नहीं दिखाया गया और जब शिवा उससे उसका सरनेम पूछता है तो वो नहीं बताती। उसका शिवा की जिंदगी में अचानक से आना और उसकी लाइट बन जाना भी संदेहपूर्ण था। वो अचानक से ही शिवा के साथ चल पड़ती है, शायद वो खुद बुरी दुनिया से है या फिर अस्तों से उसका कुछ नाता है। वो खुद ब्रह्मास्त्र को ढूंढने में इच्छुक थी, जैसे वो पहली बार अनीश के पास से ब्रह्मास्त्र देखने को बहुत उत्सुक होती है। फिर उसकी घड़ी पर भी ध्यान देना, जिसे वो हमेशा पहने रहती है। वो एक आम इंसान होते हुए भी हर मुश्किल परिस्थिति से बचकर निकल जाती है। इस बात को सपोर्ट करते हुए कुछ सीन्स याद आते हैं, जैसे जब जोर उस पर हमला करने को आता है, उस वक्त उसके पास नंदी अस्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र के साथियों को हरा देता है, फिर भी वो ईशा को बिना मारे वहां से चला जाता है। एक और सीन है जहां ईशा और शिवा जुनून के पास ब्रह्मास्त्र के टुकड़े लेकर जाते हैं। उनका प्लान काम नहीं करता, शिवा अपनी और ईशा की रक्षा के लिए अग्नि का इस्तेमाल करता है। उस अग्नि का तेज इतना होता है कि आम इंसान को झुलसा कर रखते, फिर भी उस आग के घेरे के बीच ईशा को कोई खास नुकसान नहीं होता। युवान अपनी थ्योरी में एक मजबूत पॉइंट भी जोड़ते हैं जो इंटरनेट पर मौजूद कई लोगों ने लिखा कि ईशा के आने के बाद ही शिवा को वो अजीब सपने आने लगे। कुछ लोगों ने पंडाल वाले पहले सीन में भी ईशा को पाया, बताया कि उसी दौरान उसने पहली बार शिवा को छुआ था। जितनी भी फैन थ्योरीज इंटरनेट पर पढ़ी उनसे यही लगता है कि ईशा का किरदार आने वाली फिल्मों में इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिल्म में देव के बारे में हम जितना भी सुनते हैं उससे यही लगा कि वो विलन है। हालांकि बॉयफ्रेंड कपूर नाम के ट्विटर हैंडल का ऐसा मानना नहीं, उनके मुताबिक हर कहानी के दो पहलू हैं और देव को अपनी कहानी सुनाने का मौका मिला ही नहीं। ब्रह्मास्त्र में हम देखते हैं कि देव के पास अग्नि अस्त्र होता है और अमृता के पास जलास्त्र, दोनों में गाढ़ा प्यार होता है, लेकिन देव के ब्रह्मास्त्र को पाने की जिद में दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है। आगे एक सीन में अमृता अपने बच्चे यानी शिवा के साथ घर पर होती है जहां आग लग जाती है और उसमें अमृता मारी जाती है। गुरु ये कहानी शिवा को बताते हैं, हालांकि गुरु के ही एक डायलॉग को इस ट्विटर यूजर ने अपनी थ्योरी में इस्तेमाल किया, जब गुरु कहते हैं प्यार की अग्नि किसी को भस्म कर ही नहीं सकती। ट्विटर यूजर के मुताबिक अमृता ने खुद अपने आप को आग लगा ली थी। यहाँ आयान ने अमृता का सती से कनेक्शन दिखाना चाहा। अमृता और देव दोनों ही ब्रह्मांश का हिस्सा थे, देव उससे अलग हुआ, अमृता लड़ती है, जिसके बाद कायदे से उसे फिर ब्रह्मांश लौट जाना चाहिए था, जबकि उस वक्त उसके साथ अपना बच्चा भी था, फिर भी वो वापस नहीं लौटती। ऐसे में ब्रह्मांश पर भी शक होता है कि क्या वो वही है जो दिख रहे हैं। यूजर लिखते हैं कि हम देव के हाथों में जलास्त्र को देखते हैं, अगर अमृता ने उसे हरा दिया तो उसके पास अपना जलास्त्र क्यों छोड़ा। उनके मुताबिक अमृता अपना जलास्त्र छोड़कर देव का अग्नि अस्त्र लेकर चली जाती है और उस अस्त्र को एक इंसान का रूप दे देती है, जिसे हम शिवा के नाम से पहचानते हैं। झकास एक नाम के रेडिट यूजर ने मौनी रॉय के कैरेक्टर जुनून पर अपनी थ्योरी शेयर की। उनके मुताबिक जुनून देव के प्रति वफादार है, उसकी वजह है कि वो देव की ही बेटी है, वो किसी भी तरह से देव को उसका शरीर वापस दिलवाना चाहती है। जुनून को देव की बेटी बताने वाले एक और एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं। जब शिवा जुनून के सामने अपना अग्नि अस्त्र इस्तेमाल करता है, तब मदद के लिए वो देव, जिसे वो ब्रह्मदेव कहती है,
उन्हें पुकारती है। देव जलास्त्र की मदद से बारिश करवा देता है। हालांकि सिर्फ इसी कारण से जुनून को उसकी बेटी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब तक जुनून की बैक स्टोरी नहीं मिल जाती कि वो किस वजह से देव के लिए लड़ रही है, तब तक जनता को इस थ्योरी से कोई आपत्ति नहीं है। आपके लिए पूरी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी यमन ने। मैं हूं मेघना, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।